कि जिहड़े मैं चार कहने भी मैनू इन्हां बंदियां ते शक है वो फर्की अंदर नहीं दिते जा सकते। जी हाँ दोस्तों, भगवंत मान और सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जी के आपसी झगड़ों के बीच जो है आपको बता दे पिस रहा है अब छोटा सिद्धू। छोटा सिद्धू को लेकर बहुत सारी मुसीबतें जो हैं सिद्धू के पेरेंट्स को लगातार सामना करना पड़ रहा है। सिद्धू के फादर साहब ने साफ तौर पे एक बयान जारी किया है जो अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ इतना ही नहीं, आखिर उस बयान में ऐसा क्या कह डाला है जिसे भगवंत मान एक बार फिर से तिलमिला उठे हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हवेली अब खुशियों से भर गई है जिसे देखकर दुश्मनों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। जी हां, माता चरण कौर जी ने अपने दूसरे बेटे को जन्म देकर मूसा हवेली को फिर से, मूसा पिंड को फिर से खुशियों से भर दिया है। वहीं बापू बलकौर सिंह जी भी अपने बेटे शुभदीप सिंह सिद्धू के जन्म को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही थोड़े चिंतित भी हैं। सोशल मीडिया पर सिद्धू के फादर साहब बलकौर सिंह जी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने आम लोगों से अपील की है, हर व्यक्ति को अपने ढंग से ना देखे क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला व्यक्ति किस भावना से आपके पास आया है। अपने समाज में दोबारा कोई केकड़ा पैदा ना होने दे, जहां भी कुछ गलत लगे उसका विरोध करे। आप देख चुके हैं कि मैं कितना बड़ा खामियाजा भुगत चुका हूं अपने श्रवण पुत्र को खोकर। मैं नहीं चाहता कि किसी और को भी यही हश्र झेलना पड़े। आपको बता दें सिद्धू के फादर साहब बलकौर सिंह जी पहले भी होली पर जो है सिद्धू जी को याद करते हुए कहा था कि सिद्धू ने कभी अपना नाम शुभदीप सिंह सिद्धू बताकर मशहूर होने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रखा ताकि उनके गांव में रहने वाला हर कोई खुद को सिद्धू मूसेवाला समझ सके। हमेशा उसने मूसा पिंड की भलाई चाही और इसी भलाई ने उसकी जान ले ली। एक दिन सिद्धू के फादर साहब ने पहले ही कह दिया था कि मेरे घर खुशियां आई है, मेरे पत्नी ने छोटे बच्चे को जन्म दिया है, बेटे को जन्म दिया है, लेकिन मैं अभी चुप नहीं बैठने वाला हूं, खुशियां नहीं मनाने वाला हूं जब तक मेरे बड़े बेटे को जस्टिस नहीं मिल जाती है। पहले से भी ज्यादा डबल तरीके से जो है मैं जस्टिस के लिए आवाज उठाऊंगा और वही आवाज आज सिद्धू के फादर साहब बलकौर सिंह जी ने एक बार उठाया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे किले पर जाकर जो है सिद्धू के फैंस को एकत्रित किया और वहां पर जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला के नारे लगे। साथ ही आपको बता दें हाथों में पोस्टर लेकर सिद्धू फैंस ने जो है सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी को सपोर्ट दिखाया अपना। और इतना ही नहीं, सिद्धू के फादर साहब ने साफ तौर पर कहा कि अगर जिन जिन लोगों पर मुझे शक है और मैं चाहता हूं कि उन लोगों से पूछताछ हो तो पंजाब सरकार क्यों नहीं पूछताछ कर रही है, पुलिस क्यों नहीं पूछताछ कर रही है, ये सरासर गलत हो रहा है मेरे बेटे के न्याय के साथ, हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है और मैं कहां गलत हूं। फिर से आप लोग उन्हीं लोगों को वोट देकर जिताना चाहते हैं जिन्होंने मूसा पिंड, जिन्होंने पंजाब का भला नहीं चाहा। साफ तौर पे ये तंज जो था भगवंत मान को कसा सिद्धू के फादर साहब ने और इशारा जो था साफ तौर पे भगवंत मान को वोट ना देने को लेकर उन्होंने अपील की है। इतना ही नहीं, भगवंत मान जी के घर में जो है नन्ही बच्ची का आगमन हुआ है, छोटी गुड़िया ने जन्म लिया है, बेटी ने जन्म लिया है और आपको बता दे सिद्धू फैंस लगातार जो है भगवंत मान से छोटी बच्ची का डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। जिस प्रकार से भगवंत मान की तरफ से जो है सिद्धू के फादर साहब के बच्चे को लेकर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे लीगल होने का, उसी प्रकार से अब भगवंत मान के बच्चे का भी लीगल डॉक्यूमेंट्स सिद्धू फैंस लगातार जो है सोशल मीडिया पर मांग रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। अब वहीं इन सभी लड़ाई झगड़ों के बीच फंस गया है तो सिर्फ और सिर्फ छोटा सिद्धू। पहले एक बार फिर से सिद्धू के फादर साहब जो है मैदान में उतर चुके हैं अपने बेटे के जस्टिस के लिए। आप भी कमेंट करके जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला अवश्य लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।